लखीसराय जिले की सिकंदरा रोड स्थित अल्ट्रासाउंड एंड डिजिटल एक्सरे केंद्र की एक कमरे में लैब संचालिका की आपत्तिजनक हालत में लाश मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कमरे को सील करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वे मृतका की पहचान अमरपुर गांव निवासी पुष्पलता के रूप में हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्वनाथ हैं फुल लाइन पर। विश्वनाथ, क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आ रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है घटना के पीछे? विश्वनाथ, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, मैं बता दूं कि संचालिका की जो मौत है वो देर रात्रि, मतलब उनके सोने के बाद, उनको कोई नहीं देख पाया था। उसके बाद जो है वो सुबह में जब उनके कर्मचारी आए तो उनका कमरा बंद था। उसके बाद जो है किसी तरीके से चाबी निकाल कर जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने खोला, जिसके बाद उन्हें मृत पाया गया। जिसके बाद उनके चिकित्सक को फोन किया गया। उसके बाद जो है फिर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी। जी विश्वनाथ, पोस्टमार्टम हो गया होगा? अगर हो गया है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ किसी बात का खुलासा हो पाया है क्या? अभी तक तो इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस से पूछने के बाद उन्होंने बताया है कि अभी पोस्टमार्टम हुआ है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को अभी नहीं सौंपा गया है। जी, यह जो लैब है, लैब के भी अन्य कर्मचारी होंगे जो वहाँ काम करते होंगे, उनके स्टाफ से आपकी बात हुई होगी, स्टाफ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस सभी स्टाफों से पूछताछ कर रही है। अभी पूरा मामला खुलकर अभी नहीं पता चल रहा है, और पूरी जानकारी मिलने के बाद फिर दोबारा जो है मैं खबर भेजूंगा। जी विश्वनाथ, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो लखीसराय की खबर है जहां कल देर रात एक लैब संचालिका का शव मिला आपत्तिजनक हालत में कमरे में बंद, जिसके बाद वहां इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ भी साफ हो पाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस की विशेष टीम ने शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मामले में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि तस्कर का नाम कान्हा राम प्रताप है, जो झारखंड के बोकारो का निवासी है। एसएसपी ने बताया कि तस्कर स्थानीय शराब कारोबारियों के साथ बड़ी डील करने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। निषेध की टीम के द्वारा एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो ये मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों में, पटना में और अन्य जगहों पर लगातार जो है शराब जो है कि माफियाओं को शराब देता था, बेचता था, और उम्मीद है कि इसके अरेस्टिंग के बाद में इस क्षेत्र में आने वाले शराब के अभी प्रभारी के दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लहरिया सराय से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। देवघर जिले में नकली पनीर का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। होली को देखते हुए भारी मात्रा में बिहार से मिलावटी पनीर सप्लाई की जा रही है, जिसकी सूचना पाकर एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 70 किलो नकली मिलावटी पनीर जब्त किया है। मौके से कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम के इस कार्रवाई से जिले के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चौक जो देवघर में जगह है, वहाँ से करीब 70 किलो का नकली पनीर जो है वो बरामद हुआ है, और इसमें पता पड़ा है कि जांच के बाद में कि इसमें काफ़ी भारी संख्या में जो है वो स्टार्च मिला हुआ है, और जो पनीर है वो पूर्णतः नकली है, और ये विक्रेता जो है वो सड़क पे बैठ के ही उसको बेचते हैं। और इनका रोहतास पुलिस ने बीते 17 मार्च को सासाराम नगर थाना क्षेत्र में भरत तिवारी से हुए 10 लाख की लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कोढ़ा गैंग के मुख्य सरगना पप्पू यादव के घर छापेमारी की, जहां से लूट के 3,05,000 रुपये जब्त किए गए। इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए बाकी के रुपयों के लिए भी छापेमारी जारी है।
SBI बैंक के मुख्य शाखा से 10 लाख रुपए निकाल करके अपने घर गोरक्षणी के तरफ जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों के द्वारा उनसे वो जो बैग था, पॉलिथीन बैग जिसमें वो लेकर के जा रहे थे, उसको झपट्टा मार करके छीन लिया गया था। इस घटना को अंजाम देने में कोरा गैंग के रोहतास की घटना है, जहां पर रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूटे गए 10 लाख में से 3 लाख बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी चल रहा है, छापेमारी लगातार की जा रही है। बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में दो दुकानदारों के बीच आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई, जहां गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।